नमस्कार, आप देख रहे जनवाद टाइम्स। इस समय मैं आगरा के बाहा की एक बस्ती में हूँ, जहाँ के 12 लोगों की कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। आज उनके सब बस्ती में पहुँचे हैं, जहाँ सब पहुँचने से कोहराम मच गया है। वहीं शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बाहा के स्थानीय विधायक, फतेहाबाद के विधायक, पूर्व मंत्री ने आकर के संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार से मिलकर उनके परिजनों को सरकार से हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं एक साथ दुर्घटना में मारे गए 12 लोगों की मौत से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है और क्षेत्र के कई गांवों में चूल्हे तक नहीं जले हैं। लोग इस घटने से बड़े ही विचलित हैं। इतना बीभत्स हादसा होने के बाद जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फौरी सहायता देते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, वहीं स्थानीय विधायक और मंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि सरकार से इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग करें। इतना बड़ा हादसा होने के बाद जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें कस्बा बाहा क्षेत्र के 7 लोग और पिनाट कस्बे से 5 लोगों की मौत हुई थी, जहां पिनाट कस्बा शोक में पूरे तरीके से बाजार बंद रहा, वहीं बाहा के व्यापारियों की संवेदनाएं मृत नजर आईं और पूरा बाजार रोजाना की भांति पूरी क्षमता से खुला हुआ नजर आया। देखिए, घटना है और ये दुर्घटना अधिकतर बात है, विधानसभा के ही लोग हैं जो मृत्यु हुए हैं और वहाँ इटावा और सैफई अस्पताल में भी है। विधायक रानी पक्षालिका सिंह ने तुरंत ही जानकारी मिली तो डीएम एसएसपी से बात करी तो उनको जितने भी जल्दी मेडिकल सहायता मिल सके और उनका पोस्टमार्टम रात को ही किया जाए। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतकों को 2-2 लाख हमारी है, हम तो ये भी मांग करेंगे कि इस राशि को बढ़ाया जाए। सर, जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, क्या उन्हें भी कुछ आता है? देखिए, जो गंभीर रूप से घायल हैं वो भी मांग करेंगे कि भाई यार उनका घायलों का भी सरकारी खर्च पे तो इलाज होगा ही, लेकिन घायलों को भी कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।